कोरोना बढ़ रहा है, इंदौर भोपाल जबलपुर बड़ी संख्या में संक्रमित आ रहे हैं भाई और बहन, और इसलिए हमें कुछ सख्त कदम भी उठाने होंगे। और इसलिए रविवार के दिन, संडे के दिन, शनिवार की रात को 10 बजे से लेकर सोमवार को सवेरे 6 बजे तक इन शहरों में लॉकडाउन रहेगा। बाकी जो प्रभावित शहर है उनमें रात को 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज फिर से बंद करने का प्रयत्न किया है। बाकी चीजों पर भी हम नजर रखे हैं। अब अगर मास्क नहीं लगाएंगे, कल मैंने कहा है, मैं आज फिर दोहराना चाहता हूँ, अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपने लिए खतरा पैदा नहीं कर रहे, आप अपने परिवार के लिए भी खतरा पैदा कर रहे, आप अपनों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं जिनसे आप मिलते हैं जुलते हैं, आप समाज के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए मेरी अपील है, कोरोना का वायरस तो है वो पूरी दुनिया में, और उससे बचने का सबसे प्रभावी उपाय मास्क, इसलिए मास्क लगाएं। मास्क नहीं लगाने पे जनता के हित में ही हमें सख्ती भी करनी पड़ेगी। और मैं फिर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूँ कि बिना जन सहयोग के कोरोना के संक्रमण को नहीं रोका जा सकता, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। हम पूरी क्षमता से इसको रोकने का प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल्स की भी स्थिति की समीक्षा मैं फिर कर रहा हूँ, बिस्तर और बाकी दिक्कतें ना आए इसका इंतजाम हम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का अभियान पूरी ताकत से हम चलाएंगे। परसों हमने लगभग 1,97,000 टीके लगाए, अब 2,00,000 के पार जाएंगे और धीरे धीरे क्षमता 5,00,000 तक बढ़ाएंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन का अभियान पूरी ताकत से चले, पूरी गति से चले, लेकिन दूसरी तरफ मास्क, डिस्टेंसिंग, बड़े आयोजन इन शहरों में तो होंगे ही, बिना अनुमति के भी नहीं होंगे। और मैंने ये भी कहा कि मेले और भीड़ भाड़ वाले स्थान देखो, अब कोरोना को देखते हुए हमको उनको भी नियंत्रित करना पड़ेगा, जो जरूरी सारे कदम। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।